हारमोनियम पर तेज उंगलियां कैसे चलाएं, अपने हाथ में ऐसी सफाई कि आप कुछ भी बजाएं तो वो स्पीड में और स्पष्ट बज सके, ऐसा क्या करना है, ऐसा क्या रियाज करना है, तो पूरा वीडियो देखिए और जानिए कि तेज उंगलियां कैसे चलानी है हारमोनियम पर। घर बैठे निशुल्क संगीत सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। रियाज ऐप, एक बेहतरीन मोबाइल एप्लीकेशन जिससे घर बैठे आप हिंदुस्तानी, कर्नाटक और बॉलीवुड संगीत सीख सकते हैं। तो कूपन कोड और लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जिससे कि आपको बेनिफिट ये होगा कि SPW के कूपन कोड से 10% आपको डिस्काउंट मिलता है। तो इसमें हर प्रकार का संगीत आपको देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। तो डाउनलोड कीजिए ये एप्लीकेशन और घर बैठे सीखिए संगीत रियाज ऐप से। हमसे आया न गया, तुमसे बुलाया न गया, हमसे आया न गया, तुमसे बुलाया न गया। एक पुराना सा ऐसा ही गीत मेरा मन किया गुनगुनाने का। तो आइए शुरू करते हैं उस टॉपिक पर जिसका आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, जिसका आपने थंबनेल देखा, जिसका आपने टाइटल देखा और खोल दिया ये वीडियो ताकि आपको वो राज, कहीं ना कहीं वो टेक्निक मालूम चले कि कैसे आपको तेज उंगलियां चलानी है हारमोनियम पर, तो क्या करना पड़ेगा, किस चीज़ का रियाज करना पड़ेगा। तो आइए मैं सबसे पहले आपको उस चीज़ के बारे में बताता हूँ। तो टेक्निक्स तो मैं खैर बताऊँगा ही, पर कुछ बातें हैं जो पहले हम जान लें। जब भी हम चलते हैं, मैं चलने से और उंगलियां चलाने को रिलेट करके आपको एग्जांपल समझाऊंगा कि आप अगर पांव घसीट घसीट के चलेंगे तो आप कभी भी दौड़ नहीं सकते। दौड़ने के लिए आपको पांव उठाने पड़ते हैं, है ना, थोड़े थोड़े हवा में उठते हैं पांव, तब जाके वो रन रन वाली फीलिंग आती है। ये जो रन है, ये रन है, ऐसे दौड़ते हैं आप तो पांव उठाना पड़ता है आपको। अगर आप वही जो चीज़ है हारमोनियम में अप्लाई कर दें, अगर मैं घिस घिस के, जो घिसमा बजता है ये चिपक चिपक के, हर सुर को पकड़ पकड़ के, जैसा कि गायकी में होता है, अगर मैं गायकी जा रहा है तो मेरा ये नहीं जा रहा है, सारे जो स्वर हैं आपस में जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं। तो इसी तरह से अगर वादन होता है तो वो घिसमा होता है, वो संगत का वादन है। यानी जब आप किसी की संगति कर रहे हैं, यानी कोई गा रहा है और आप पीछे पीछे बजा रहे हैं, जैसे मैंने गाया, अब इसको मैं ऐसे नहीं बजाऊंगा, ये किसी ने गाया, तो हारमोनियम कैसे बजेगा? ऐसा लगना चाहिए हारमोनियम में कि वही गा दिया उसने एज इट इज, है ना। और यही इसका ऑपोजिट तरीका होता है, जो होता है इंस्ट्रूमेंटल ढंग, जो आपको सीखना है अगर आपको हारमोनियम पर हाथ तेज और स्पीड में उंगलियां चलानी, तो उसके लिए हाथ को उठा उठा के लगाना पड़ता है। तो अभी मैं अगले जो वीडियो के पार्ट में आपको हारमोनियम दिखाऊंगा और आपको मालूम चलेगा कि कैसे उंगलियां उठ उठ के लग रही हैं और हाथ का क्या स्ट्रक्चर रहना चाहिए, है ना। तो पूरा वीडियो देखो और आगे देखो, जानो कि आपको तेज उंगलियां चलाने के लिए कुछ टेक्निक्स भी मैं आपको बता दूंगा, है ना। तो पूरा वीडियो देखो। तो सबसे पहले जानने वाली बात जो है वो ये है कि हाथ की पोजीशन कैसा होना चाहिए, है ना। हाथ कभी भी ऐसा कड़क नहीं रखना, है ना, या ऐसा मुड़ा नहीं रखना। हाथ कंफर्टेबली देखो, आप नेचुरली हाथ रखते हो तो आपका हाथ कितना मुड़ा हुआ रहता है, क्योंकि ये जो बोन्स हैं साइड साइड में जो आपको नज़र आ रही हैं, ये जॉइंट बोन्स हैं, ये अपने आप आपके हाथ को नेचुरली कभी भी सीधा नहीं रखती हैं, हल्का सा मुड़ा हुआ ही रखती हैं। तो यही एक पोजीशन होनी चाहिए हाथ की, आप देख सकते हैं हल्का सा जो कर्व है, यही बनाए रखिए और इसी को हारमोनियम पर रखिए। ये मैंने प सा ग जैसे लगा दिया, पहली काली से मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और इसी पोजीशन में हाथ को रखकर हाथ को उठा उठा के लगाने की कोशिश करें। जब आप सा बजा रहे हैं तो ये सा बजाया, फिर सा उठा लीजिए, फिर रे बजाइए, है ना। इस एक्सरसाइज को अगर आप फॉलो करते हैं तो मेरे ख्याल से आपके हाथ में जो है स्पीड अपने आप बन जाएगी, है ना। सा रे, एक हम बजाते हैं सा, रे पे जब उंगली आती है तब सा को उठाते हैं, है ना। ये घिसमा तरीका है, है ना। इसमें क्या होता है, ये ऐसे ऐसे उंगली चल रही है, ये एक तो अलंकार की प्रैक्टिस आप ऐसे करते हैं, है ना। इसमें कभी भी स्पीड नहीं आएगी, स्पीड लानी है तो ये सा ये ये ये, है ना, सा रे, ये उठा उठा के जा रहा है, अपने आप इससे स्पीड आ जाएगी, है ना। धीरे धीरे इसी का रियाज करना है। उसके बाद जब ग पे जाते हैं तो ये अंगूठा देखिए कितना क्रॉस जाता है, ये पोजीशन कभी नहीं बननी चाहिए, ये बनेगी तो हाथ आपका फंसेगा। तो सा रे और फिर हाथ पूरा का पूरा शिफ्ट कीजिए,
ऐसा नहीं कि अंगूठा ऐसा टेढ़ा है ना। इसके लिए मैंने बताया कि हारमोनियम की पोजीशन भी कैसी होनी चाहिए, जो हारमोनियम का कोना होता है वो आपकी दोनों टांगों के बीच में होना चाहिए जब आप आलती पालती लगाएं, है ना। हारमोनियम पूरा का पूरा आपके सामने होगा तो ये पोजीशन बनेगी नहीं हाथ की, है ना, वो मैं कई बार बता चुका हूँ। तो ये सा रे और ये हाथ पूरा खुल गया यहाँ पे, तो क्या होता है हाथ खुला तो स्पीड अपने आप बनती है, क्योंकि हाथ फंसेगा ही नहीं तो स्पीड बनना जाहिर बात है, है ना। सा रे ग म प ध नी सा, है ना, पूरा हाथ खुला खुला ही जा रहा है, जैसा जा रहा है कहीं भी फंस नहीं रहा है। सा नी ध प म ग रे सा, ये सबसे बेसिक चीज़ है जिसका आपको ख्याल रखना है। और फिर आप देखिए हाथ में कैसे स्पीड आती है, फर्क देखिए। है ना, आपको लग रहा होगा कि मैं उठा उठा के नहीं लगा रहा हूँ, घिस घिस के लगा रहा हूँ, पर ऐसा नहीं हो। जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है, जो ये उठने की स्पेस है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि सा के बाद उतनी उंगली उठाओ, हल्की सी उठानी है आपको, ये देखिए हल्की सी उठ रही है ना। अब अगर साइड से इसको देख पाते तो ये हल्की हल्की उठ रही है ना। इसको देखें, इसके इसी में सारे अलंकार बजाने हैं जो स्वरांगिनी के आपको मिलेंगे। सारे गा है ना, आप देख रहे होंगे मैं ऐसा टेढ़ा टेढ़ा नहीं कर रहा हूं कहीं भी, है ना, पूरा हाथ खोल रहा हूं, हाथ को ढीला रखें, ये तभी आएगा। और ख्याल रखना है कि उंगलियों का पोजीशन कैसा, अगर आपने सा रे ग म ये म पे पहली लगा दी तो रे पे अंगूठा आना पड़ेगा, है ना। इसीलिए अलंकार करते समय उंगलियों का ख्याल रखें कि ये दूसरी लगाई तो ये, है ना, पहली अपने आप फ्री हो गई। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं जो आपको अपनानी पड़ेंगी, है ना। और उसके बाद कुछ चीज़ें आप कर सकते हैं प्रैक्टिस, जैसे कि एक झाले की टेक्निक होती है, जैसे नी पे अंगूठा लगा लिया, सा दूसरी उंगली लगा ली, फिर पहली फिर दूसरी, चार चार के उससे चलिए, नी सा सा सा, नी पे अंगूठा, सा पे दूसरी, फिर पहली फिर दूसरी, है ना, फिर नी पे अंगूठा, रे पे दूसरी, फिर पहली फिर दूसरी, है ना। इसको बजाएंगे कैसे बजेगा, है ना, अब इसी को सा तक ले जाइए, नी है ना। ये टेक्निक विस्तार में मैंने अपने दूसरे वीडियोस में समझा रखी है ना, और अलग अलग पैटर्न्स के अलंकार भी उसमें विस्तार में बता रखे हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन में अगर देखेंगे तो अच्छे से आपको हर एक टेक्निक पर एक पर्टिकुलर वीडियो मिल जाएगा, तो आप अच्छे से समझ पाएंगे, है ना। इसमें तो मैं ग्लिम्स दे सकता हूँ उसकी, छोटा सा एक मुख्तसर सा एक बता सकता हूँ, छोटा सा समरी दे सकता हूँ, है ना, ताकि आप उससे समझ पाए। बट पूरा आपको अगर जानना है तो उसके लिए आपको वो अलग अलग वीडियोज ही देखने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये कर सकते हो, है ना, और बाकी ये भी सारी टेक्निक्स उसमें बताई गई हैं, है ना। तो इसी तरह देखते रहो संगीत प्रभाव वर्ल्ड के वीडियोस को, और आपको जानने को मिलेंगी काफ़ी ऐसी बातें जो कि आपको कहीं नहीं जानने को नहीं मिलेंगी। तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रखा है उससे आप और भी टेक्निक्स हारमोनियम की सीखिए। धन्यवाद।